यार तो भयंकर चीज है भाई। हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। दोस्तों आपको पता है कि यार मैं आया हुआ था जैसलमेर के अंदर, और जैसलमेर के अंदर आके और जो सैंड ड्यून्स है, जो यहाँ के मिट्टी के रेगिस्तान है, उसमें अगर आप ना हो तो यार जैसलमेर आना बिल्कुल बेकार है। सिर्फ रेगिस्तान ही नहीं, जैसे थार डेजर्ट सफारी होगी, और जो थार सफारी होगी, कैमल सफारी होगी, और भी काफी सारी यहाँ पे सवारियाँ मिलती है। यहाँ पे ठहरने के लिए ना, जैसे ये देखो ये लगे हुए हैं टेंट, लगे हुए हैं यहाँ पे अलग अलग नंबर के हिसाब से, जैसे जगह बनाई हुई है। मैं आपको टेंट दिखाता हूँ अंदर से, ये देखो भाई ये आपको रूम मिलेगा। अगर आप वैसी चीजें लेना चाहोगे तो महंगी पड़ेगी। अगर आप पैकेज के अंदर ही ये सारी चीजें लेते हो, डिनर वगैरह हो गया और सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, राजेट सफारी वगैरह, तो आपको सस्ती पड़ेगी। अगर आप अलग अलग लेना चाहो कि नहीं मुझे खाना अलग से रेस्टोरेंट में खाना है, ठीक है, ब्रेकफास्ट अलग में करना है, डिनर अपना जो भी सिस्टम होगा वो अलग अलग करना है, तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। दोस्तों आज की रात हम यही रुकने वाले हैं और फुल एंजॉय करने वाले हैं, और भाई आपको भी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो गाइस फाइनली 4 बज चुके हैं, उनका कॉल आ चुका है कि आप थोड़ी देर के अंदर अंदर आ जाओ, और उनकी जो गाड़ी है वो एकदम रेडी है। जैसे रात होती है ना यहाँ पे, आज रात को जो है नृत्य होगा। गाइस अपनी जीप तैयार है भाई, वो देखो भाई जीप के, भाई आगे बैठने का कोई मजा नहीं आएगा, पीछे बैठ के खड़े होंगे ना तभी भाई मजे आएंगे। भाई है आगे किधर है भाई, पीछे आऊंगा, आगे नहीं भाई खड़ा हूँ मैं, खड़ा खड़ा। गाइस फाइनली आ चुके हैं भाई जीप के ऊपर, भाई भयंकर भाई मुझे है ना यार। देखो ये जीप यहाँ पे चलेगी, ऊपर नीचे हो रही थी बार बार, जैसे ये देखो ये भाई आ रहा है, ठीक है। तो यार जैसे जैसे ये मोड़ती है ना, मोड़ खाती था भाई, फोन का बहुत ज्यादा डर रहता है। तो यार फोन भाई मतलब फोन क्या, हम खुद को ही नहीं संभाल पा रहे थे यार, फोन को क्या संभाले, और बहुत ज्यादा मुश्किल से इसको पकड़ रखा था। यहाँ पे घूमने वगैरह की जगह, यहाँ पे आराम से घुमाओ। वैसे ये देखो भाई निशांत, और ये जो बाइक है ना इलेक्ट्रिक, इस पे जा रहे हैं, इस पे राइड कर रहे हैं, इस पे 1200 रुपए का है, 1200 रुपए के दो, मतलब एक जने के 600 रुपए बता रहे हैं। मैं तो नहीं जाने वाला यार, वो सिस्टम देखो यहाँ, ये पूरा भाई आसमान पे लेके जाएगा, एकदम आराम से घुमाएगा। ये करना पड़ेगा इस भाई साहब, भाई डर तो बहुत ज्यादा भयंकर लगेगा। और यार उधर देखो, उधर सेल्फ में जैसे बैलून है उसके ऊपर जैसे लटका के, और फिर खुद ही ऊपर जाएंगे। इसके अंदर भाई सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम है, ये देखो ये पे आ रही है। है तो भयंकर चीज है भाई। तो
भाई निशान जा रहा है बाइक पे, हाँ वो दोनों और मैं नहीं जा रहा, ये कहते हैं हमें शौक है जाने का। ये वो तो गए भाई, भाई साथ वाले दो यार, बाकी यहाँ पे आज भाई फीलिंग और ही होती है नेक्स्ट लेवल। ये जो डिजर्ट है जैसे अपने हमारे पास में इसको टिब्बे भी बोल देते हैं, दोरे बोलते हैं, ये असम डिजर्ट। गाइस अभी जो पैराशूट है ना जहाँ पे उधर जा रहे हैं उनसे पूछते भाई क्या क्या रेट है उनके। ये रहा भाई हेलीकॉप्टर वाला वो सिस्टम, सिंगल पर्सन और पांच जने हैं कुछ लेस करके, पांच जने वो पता है कोई कम नहीं है। 4,500 रुपये इसके ऊपर देखा, फैन लगे हुए हैं, ये मोटर लगी हुई है, इसी कारण जैसे लोड फुल ज़्यादा स्पीड से करेगा ना तो ही ऊपर जाएगा, बाकी नीचे गिरने का डर, पैराशूट होते हैं तो उसमें हवा भर जाती है तो नीचे गिरने का डर कम हो जाता है। यहाँ पे 2 पर्सन बैठ सकते हैं, जो भी राइड करेगा वो आगे हो जाएगा और वो एक बंदा जो पीछे ड्राइवर है वो पीछे राइड तो नहीं करेंगे भाई क्योंकि यार महंगी बहुत ज़्यादा है, फिर एक जने के 4,500 रुपये दिए तो खत्म। अभी करने वाले भाई कैमल सफारी, अरे ये इधर फोन रखो, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं पर हां बस, ये भी भाई खड़े हो गए, चल मेरा भाई ये भाई शेर कल्ले ही भाई, वो दोनों साथ में बैठे, मैं कहा भाई शेर कल्ले ही बैठेगा। ओ भाई तगड़ 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 भाई साहब मजे आ गए। स्पीड में चल रहा है इसका, राम है लक्की जे कह देना चल मेरे घोड़ी टिक टिक, वैसे ही चल मेरे लक्की टिक टिक टिक। ये भाई रेगिस्तान का जहाज, अरे गाइस भाई ये उठ रहा है जा इलाम कर कर, बहुत बढ़िया भाई साहब वापस खड़ा हो गया भाई, वापस खड़ा हो गया इन्हें दिनांक लगे। थैंक यू भैया, क्या नाम है आपका? सलीम। सलीम भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भाई, यार कैसे मुझे आ गए भाई कैडर बड़ा लग गया भाई साहब मजे आ गया यार। जैसे उसको बुलाया ना भाई, ये देखो कैसे भाग रहा है वो देखो, तुगड़ 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 भाई मजे आ गया यार। गाइस कैमल सफारी करके गाइस भाई आ चुके हैं, अभी फाइनली अभी हम जा रहे हैं अपने वापस टेंट के अंदर, क्योंकि अब जो भी प्रोग्राम होगा वो रात को होगा, कि सम डिजर्ट वगैरह सारी जगह कैमल राइड भी कर लिया है, जीप की राइड, जीप सफारी भी कर लिया है, तो फाइनली अब जो अपने वापस रिसोर्ट था केएफ रिसोर्ट उसमें चलते हैं। गाइस अगर एक्सपीरियंस की बात सोचो, एक्सपीरियंस की बात करो तो भाई नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है भाई, ये चीज़ है भाई लाइफ के अंदर जरूर ट्राई करनी चाहिए। पैरा मोटर ग्लाइडिंग का सोचा था लेकिन यार
उसके रेट बहुत ज़्यादा बता रहे थे, 5,000 रुपये 4,500 रुपये बता रहे थे। खैर वो तो नहीं कर पाए क्योंकि हम आते वक्त जैसे नॉर्मल पैराशूट होता है ना, वो पूछा था रोड पे, वो बता रहे थे 400 रुपये का, हमने सोचा आगे करेंगे। और यहाँ पे वो ही पैराशूट है ना, 2,500-2,500 रुपये का बता रहे हैं, कोई 2,000 कोई 2,500, तो इसलिए हमने लिया नहीं।